हेलो एंड नमस्ते। टुडे आई केम विद वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन एंटी डायबिटीज ड्रग्स और यू कैन से फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज मेलिटस। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटी डायबिटीज ड्रग्स, दस विल डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन टू डायबिटीज मेलिटस। सो डायबिटीज मेलिटस इज बेसिकली डिफाइंड एज इट इज अ क्रोनिक मेटाबोलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोजूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, इंसुलिन डिफिशेंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इट इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। सो हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लाइकोजूरिया मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, हाइपरलिपिडेमिया मीन्स इंक्रीज लिपिड कोलेस्ट्रॉल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन डिफिशेंसी रिड्यूस्ड सेरम इंसुलिन, ऑन इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स इंसुलिन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोजूरिया, हाइपरलिपिडेमिया, इंसुलिन डिफिशेंसी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलिटस, सो अराउंड 3000 ईयर्स एगो, by ancient Egyptians named Aratus of Cappadocia was coined the term diabetes, but the polyuria or sweet tasting, जो urine में sugar present होता है, these are the major characteristics, that is glucosuria, I have already discussed, these are major characteristics of diabetes mellitus, और ये first time report किया गया था in Indian literature by Susrat, but in 1675 only, जबकि ये रिपोर्ट किया गया था 15th to 16th century में, लेकिन 1675 में आके थॉमस विलिस हु क्वाइंड द टर्म मेलिटस बाय ऑब्जर्विंग दैट द पेशेंट ऑफ डायबिटीज पासिंग द यूरिन प्रेजेंस विद ग्लूकोज। इन्होंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया डायबिटीज पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, मतलब स्वीट टेस्ट होता है, हनी स्वीट इसको बोलते हैं, मेलिटस को बोलते हैं हनी स्वीट, और वहां से इन्होंने टर्म दिया मेलिटस, एंड आफ्टर दैट डायबिटीज बिकम डायबिटीज मेलिटस। बट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिवर इन ग्लाइकोजेनेसिस एंड द कंसेप्ट दैट डायबिटीज इज ड्यू टू एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय क्लॉड बर्नार्ड। लेकिन माइलस्टोन तब हुआ जब क्लॉड बर्नार्ड ने बताया डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ एक्सेस ग्लूकोज प्रोडक्शन। रोल ऑफ पैंक्रियाज इन पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज वाज डिस्कवर्ड बाय मेरिंग एंड मिनकोवस्की इन 1889 में मेरिंग एंड मिनकोवस्की ने पहली बार रिपोर्ट किया रोल ऑफ पैंक्रियाज इन डायबिटीज बिकॉज द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज सेक्रेटिंग इंसुलिन। नॉन डाइजेस्टिव पार्ट ऑफ पैंक्रियाज प्रिवेंट डायबिटीज एंड इट वॉज नेम्ड इंसुलिन बाई डी मेयर इन 1909 में डी मेयर ने बताया कि जो पैंक्रियाज के नॉन डाइजेस्टिव पार्ट है दैट इज बीटा सेल और वो एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा था जिसका नाम था इंसुलिन एंड दे आर प्रिवेंटिंग द डायबिटीज मीन्स इंसुलिन दे आर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर या रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर कंसेंट्रेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन वॉज by Banting and based in 1921. So these are some major discoveries regarding diabetes mellitus. अब आते हैं diabetes mellitus कितने टाइप के होते हैं, तो we can say mainly two types of diabetes mellitus nowadays, type 3 and type 4 also, we can say gestational diabetes mellitus and mellitus of any hormonal disorder, but mainly two types of diabetes are there, that is type 1 diabetes mellitus. और type 1 को क्या कहते हैं, insulin dependent diabetes mellitus. इसमें होता क्या है type 1 में, so दो patient है type 1 का, उनका pancreas sufficient amount में insulin secretion नहीं कर पाता है, pancreas destroy हो गया होता, तो ऐसे cases में जो patient होते हैं टोटली डिपेंड ऑन इंसुलिन, अगर आप उनको इंसुलिन हम नहीं देंगे तो उनका डेथ होने का चांस रहेगा, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहेगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस।
और ये टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादातर यंगर एज में होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं ऑल्सो जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस, बिकॉज इट अकर इन जुवेनाइल फेज, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस। सो टाइप 1 इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अनदर इज अ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, या यू कैन से नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये टाइप 2 के जो पेशेंट होते हैं इनका पैंक्रियाज फंक्शनल होते हैं और ये इंसुलिन सीक्रेट भी करते हैं। द टाइप 2 पेशेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये दूसरा कारण हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया हो, रिसेप्टर में प्रॉब्लम हो गया हो और मसल्स ग्लूकोज ऑप्टेक नहीं कर पा रहा हो बिकॉज ऑफ रिसेप्टर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, अब डायबिटीज मेलाइटिस इज अ वेरी ओल्ड डिसीज, इसको हिंदी में मधुमेह कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड मधुमेह इन हिंदी एंड इट इज डिसीज नोन फॉर द एजेस, बहुत ही पुराना डिसीज है, बट इट्स फार्माकोथेरेपी इज जस्ट ओवर 19 ईयर्स ओल्ड। 1921 में इंसुलिन आया बट अन इफेक्टिव ओरली, इंसुलिन आया लेकिन ओरल नहीं दे सकते हैं। सर्च वॉज कंटिन्यू फॉर ओरल इफेक्टिव एजेंट, रिसर्च शुरू हुआ कि अब ऐसा ओरल इफेक्टिव ड्रग बनाया जाए ताकि ओरली दे सके, जो चीप हो, इफेक्टिव हो, पेशेंट कैन टेक इजिली और ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर सके। इन दिस केस, इन दिस वे, सिंथालिन ए वॉज द ड्रग दैट वॉज अ बिगुनाइट वॉज द अर्लीस्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स टू बी यूज इन थेरापी बट वॉज टू टॉक्सिक। सिंथालिन ए एज अ बिगोनाइट डिस्कवरी हुआ, दिस वॉज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बट वॉज टू टॉक्सिक, देन आफ्टर दैट इट वॉज विदड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। अ चांस ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई जैनबोन इन 1942 लीड टू द डिस्कवरी ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। जैनबोन इन 1942 में सल्फोनामाइड को ऑब्जर्व किया कि सल्फोनामाइड वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन एंड इट वॉज फर्दर कन्फर्म बाई फ्रैंक एंड फूच इन 1955। 1955 में इस ऑब्जर्वेशन को अगेन दूसरे साइंटिस्ट ने कन्फर्म किया, दैट वॉज फ्रैंक एंड फूच, एंड दे ऑब्जर्व दैट ब्लड शुगर लोअरिंग एक्शन ऑफ कार्बोटामाइड। कार्बोटामाइड इज अ बेसिकली सल्फोनामाइड डेरिवेटिव एंड ट्रायल्स टू प्रिपेयर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंडेड सक्सेसफुली बाई फर्स्ट मार्केटिंग ऑफ टलबुटामाइड एंड कार्बोटामाइड इन 1955। और वहाँ से पहला मार्केटिंग हुआ टलबुटामाइड एंड कार्बोटामाइड इन 1955 एज अ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब लेट्स डिस्कस अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। वन इज पैरेंटरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एग्जाम में क्या आ सकता है, एज फॉर एग्जाम इज कंसर्न्ड, द फार्माकोथेरेपी ऑफ डायबिटीज और एंटी डायबिटीज ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मेनली आस्क इन लॉन्ग क्वेश्चन। सो दे विल आस्क क्लासिफाई एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड एक्सप्लेन अबाउट यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंट्रैक्शन लाइक सल्फोनिलूरिया और बिगोनाइड्स और एनी अदर ड्रग्स। सो वेन वी आस्क क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स इज फर्स्ट वन इज अ पैरेंटरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स एंड सेकेंड इज अ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इन पैरेंटरल इंसुलिन इज देयर, GLP-1 एनालॉग इज देयर, एमाइलिन एनालॉग इज देयर एंड ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स देयर इज सर्टेन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर विच डिस्कस लेटर। जब बाद में डिटेल जब हम ओरल एंटी डायबिटिक की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन वल डिस्कस अबाउट ओरल एंटी डायबिटिक। अभी टूडे विल डिस्कस ऑन पैरेंटरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। तो पैरेंटरल में सबसे पहला फर्स्ट ड्रग इज इंसुलिन। सो इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 बाई बैंटिंग एंड बेस्ट एंड फर्स्ट ऑब्टेंड इन प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म इन 1926। इंसुलिन को डिस्कवरी किया गया 1921 में लेकिन इसको प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म में इन 1926 में आया एंड इट्स अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन एंड फर्स्ट प्रोटीन टू बी सिक्वेंस्ड बाई सैंगर इन 1956।
इसका सीक्वेंसिंग पॉसिबल हुआ 1956 में, सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ पैंक्रियाज। इट कंसिस्ट ऑफ टू अमाइनो एसिड चेन इन दियर स्ट्रक्चर। इट वॉज ट्रेडिशनली ऑप्टेन फ्रॉम बोवाइन एंड प्रोसीन पैंक्रियाज एंड ह्यूमन इंसुलिन बायोसिंथेसाइज बाय कल्चर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज ई कोलाई एंड ईस्ट इज नाउ कॉमन एंड यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, दीज आर द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कंटेन ए चेन एंड बी चेन। ए चेन हैज 21 अमाइनो एसिड एंड बी चेन हैज 30 अमाइनो एसिड लिंक बाई डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड बॉन्ड यू कैन से। दीज आर द टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इंसुलिन, वन इज बैंटिंग एंड इज बेस्ट, बेस्ट वॉज द स्टूडेंट ऑफ बैंटिंग, दे वेर वर्किंग इन देयर लेबोरेटरी एंड इंसुलिन वॉज फर्स्ट यूज इन दिस चिल्ड्रेन। हिज नेम वॉज लियोनार्ड थॉम्सन। डिसम्बर 15, 1922 को फर्स्ट टाइम इंसुलिन यूज किया गया था इस पे, जिसका नाम था थॉम्सन लियोनार्ड, पेशेंट लियोनार्ड थॉम्सन एंड इन आफ्टर ट्रीटमेंट बाय इंसुलिन। सो 15 फरवरी 1923 को ये ऐसा दिख रहा था, मतलब क्योर हुआ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मलाइज भी हुआ, कम हुआ, लेकिन फाइनली द पेशेंट लीड टू डेथ बिकॉज दैट इंसुलिन वॉज फुल ऑफ एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उस टाइम तक प्योरिफिकेशन नहीं कर पाया था, प्योर क्रिस्टलिन फॉर्म में था लेकिन प्योरीफाई नहीं हो पाया था बिकॉज दैट ऑफ बिकॉज काम तो हुआ लेकिन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया, साइड इफेक्ट ज़्यादा हुआ। ये सब चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। कम टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स। सो इंसुलिन रिसेप्टर्स दैट इज बीटा चेन, दिस इज इंसुलिन रिसेप्टर्स लाइक अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन हैज इंसुलिन बाइंडिंग साइट, दिस इज इंसुलिन बाइंडिंग साइट। सो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे दो चेन होगा अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन बाइंडिंग साइट रहेगा जहां पे इंसुलिन बाइंड करेगा, और ये बीटा चेन में फॉस्फोरिलेशन करेगा इंट्रासेलुलरली। अभी कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन। सो व्हेन इंसुलिन बाइंड्स ऑन अल्फा सब यूनिट, सी इंसुलिन बाइंड्स ऑन अल्फा सब यूनिट, इंसुलिन बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स अल्फा सब यूनिट ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल, स्टिमुलेट्स टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी इन बीटा सब यूनिट। जैसे ही अल्फा सब यूनिट पे बाइंड करेगा एट इंसुलिन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट यहाँ पे, तो ये बीटा सब यूनिट में, बीटा सब यूनिट में इंट्रासेलुलरली क्या करेगा, टायरोसिन एक्टिविटी व्हिच अल्टर्ड एंजाइम एक्टिविटी, क्या करेंगे, एक्टिवेट कास्केड ऑफ रिएक्शंस, फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन, रिजल्टिंग इट विल स्टिमुलेट और इनहिबिट्स द एंजाइम, मीन्स इट अल्टर द एंजाइम एक्टिविटी, रिजल्टिंग रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक और रिड्यूस ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इन दिस वे इंसुलिन इज गोइंग टू एक्ट इन आवर बॉडी। अगेन हम रिपीट कर रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन इंसुलिन बाइंड्स ऑन इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन अल्फा सब यूनिट, जैसे अल्फा सब यूनिट पे इंसुलिन बाइंड करेगा तो बीटा सब यूनिट में ये एक्टिवेट करेगा टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो फॉस्फोरिलेशन एंड डीफॉस्फोरिलेशन करेगा, वो क्या कर देगा, ये एंजाइम एक्टिविटी को अल्टर करेगा या स्टिमुलेट करेगा और इनहिबिट करेगा। उसके बाद क्या होगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड होगा, और रिस्पॉन्स क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक विल इंक्रीज और ग्लूकोनियोजेनेसिस विल बी डिमिनिश्ड। सो दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन, हाउ इंसुलिन गोइंग टू इंड्यूस अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स और रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द बॉडी। सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, अब इंसुलिन सिक्रेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले तो इंसुलिन तभी सिक्रेशन होगा जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा ब्लड में, व्हेन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द ब्लड देन इंसुलिन गेट सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियाज। हाउ,
तो पहले क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन विल बी इंक्रीज, उसके बाद ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन द सेल दे बाइंड्स विद द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कजेस ग्लाइकोलाइसिस एंड साइट्रिक एसिड साइकिल। उसके बाद क्या होगा, एटीपी जनरेट होगा, एटीपी विल जनरेट आफ्टर द साइट्रिक एक्टिवेशन ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। देन व्हाट विल हैपन, पोटासियम चैनल गेट क्लोज्ड, जैसे ही एटीपी रिलीज होगा उसके बाद पोटासियम चैनल क्लोज हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा पोटासियम क्या होगा अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेस पोटासियम लीव्स द सेल, अंदर पोटासियम ज्यादा हो जाएगा, पोटासियम बाहर नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेल गेट डिपोलराइज्ड, जैसे डिपोलराइजेशन होगा देन कैल्शियम चैनल विल ओपन, दिस कैल्शियम चैनल विल ओपन, हेंस मोर कैल्शियम इंटर्स इनटू द सेल, मोर कैल्शियम इंटर्स इनटू द सेल कॉजेज दिस कैल्शियम एंट्री ट्रिगर्स एक्जोसाइटोसिस एंड इंसुलिन सीक्रेटेस, कॉजेज इंसुलिन सीक्रेटेस। फाइनल क्या होगा, एक्जोसाइटोसिस होगा बिकॉज ऑफ कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग एंड कैल्शियम चैनल, मोर कैल्शियम एंड ट्रिगर्स एक्जोसाइटोसिस एंड इंसुलिन क्या होगा, रिलीज होगा। इन दिस वे इंसुलिन सीक्रेशन अकर्स फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज। एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन मेजर टारगेट एक्शंस, मेजर टारगेट ऑर्गन्स पे एंड मेजर एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन मेजर टारगेट ऑर्गन्स मीन्स लीवर हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, स्केलेटल मसल्स हो गया, इस पर कैसे काम करेगा। सो मेटाबोलिज्म ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म, एडिपोज टिश्यूज पे क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, लीवर पे क्या करेगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड स्टोरेज, डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड नियोग्लूकोजेनेसिस। स्केलेटल मसल्स पे क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिपोजिशन। फैट मेटाबोलिज्म पे क्या करेगा, ऑन इन एडिपोज टिश्यू डिक्रीज लाइपोलाइसिस, इन लीवर इंक्रीज लाइपोजेनेसिस, डिक्रीज कीटोजेनेसिस, इन स्केलेटल मसल्स डिक्रीज लाइपोलाइसिस। दीज आर द एक्शन ऑफ इंसुलिन ऑन लीवर एडिपोज टिश्यू स्केलेटल मसल्स। What will happen on protein metabolism? Let's see. On protein metabolism, on adipose tissue, it will not significantly happens in adipose tissue. In liver, in protein metabolism, decrease protein breakdown or increase protein synthesis. Skeletal muscles, increase amino acid transport into the cell and protein synthesis, decrease protein breakdown. So these are the major actions which are occurred by insulin on liver, skeletal muscles, adipose tissues, on carbohydrate metabolism, protein metabolism and fat metabolism. इसको आप नोट भी बना सकते हो, आप स्लाइड को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और नोट तैयार कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन ऑल्सो। अब प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कौन सा फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, तो वन इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और इंसुलिन अलग बोलते हैं इंसुलिन, इसका एग्जांपल हो गया इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन स्पार्ट, इंसुलिन गिलिलोसिन, ये सब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। शॉर्टर एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन या प्लेन इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, आइसोफेन इंसुलिन, आइसोफेन जिंक संस्पेशन इंसुलिन, लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग, इंसुलिन ग्लार्जिन, इंसुलिन रेटिमिर, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन और इंसुलिन मिक्सर भी आते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ 20-50% ऑफ रेगुलर और रैपिड एक्टिंग विथ 80-50% ऑफ NPH एनालॉग विथ एनालॉग्स, लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग्स। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, जितने भी इंसुलिन है या तो रैपिड एक्टिंग होगा या शॉर्ट एक्टिंग होगा, इंटरमीडिएट एक्टिंग होगा, ओके कोई रेगुलर में आएगा, कोई आइसोफेन में आएंगे। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट इन द मार्केट। प्रिपरेशन इंसुलिन में ये रेगुलर जो इंसुलिन है उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर बेसिकली इट इज अ बफर्ड न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन ऑफ अनमोडिफाइड इंसुलिन स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक। जितने भी रेगुलर इंसुलिन आपको मार्केट में मिलेंगे या रेगुलर इंसुलिन हमारे पास है, वो बेसिकली बफर्ड न्यूट्रल पीएच सॉल्यूशन है जिसको मॉडिफाई नहीं किया गया है और स्टेबलाइज किया गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक के द्वारा। दूसरा लेंटे इंसुलिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन हैव बीन प्रोड्यूस्ड। लेंटे इंसुलिन में
two types of insulin zinc suspension have been produced. One with large particle is crystalline and practically insoluble in water, उसको अल्ट्रालोंटे भी बोल सकते हैं, अल्ट्रालोंटे भी कह सकते हैं. Another is a long acting, another is a long acting. The other has a smaller particle and amorphous, that is called semilente and is short acting. First one is a ultralente, it is long acting. Second is the amorphous semilente and is short acting. Their ratio is 7:3 called lente insulin and is intermediate acting. Ultralente, long acting, semilente, short acting, and lente insulin, that is intermediate acting. Isophen, neutral protamine hec dorn or NPH insulin, we can say इस फॉर्म में भी इंसुलिन प्रेजेंट होते हैं. सो प्रोटामिन इज एडेड इन अ क्वांटिटी जस्ट सफिशियंट टू कॉम्प्लेक्स ऑल इंसुलिन मॉलिक्यूल्स. नाइदर इंसुलिन और नॉर प्रोटामिन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म एंड pH इज न्यूट्रल. सो इन दिस फॉर्म इंसुलिन इज प्रिपेयर्ड एंड अवेलेबल इन मार्केट. लेट्स डिस्कस अबाउट